मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। हम इस समय थाईलैंड में और हम आए हुए बहुत ही ज़्यादा अनोखी सी जगह पे। तो पीछे देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है बान बस। तो हम लोगों को ना ये बहुत ही अलग सा एक एयरबीएनबी दिख गया था जो एक्चुअली बस में घर है। तो हेलो, मेरा नाम गोपाल है और आज मैं बस में रहने वाली हूँ। आई लव हर। तो चलो चलते, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। हमने सिर्फ अपना लगेज अंदर रख दिया है। तो यहाँ से आप एंटर करते हो, वेलकम। हाँ, ये कितनी क्यूट लग रही है। हेलो जी, मैं आपको बस के बाहर का तो बाद में दिखाती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं। एंटर होती सबसे पहले तो आपको यहाँ सामने एक अच्छा सा सिटिंग एरिया दे दिया गया है, काफी कंफर्टेबल है, जहाँ पे अभी हमने हमारा सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी किचन है जहाँ पे हम कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये गैस दी हुई है, राइस कुकर है, गर्म पानी की जगह है, बाकी काफी सारी क्यूट क्यूट कटलरी भी दी हुई है, काफी सारे ग्लासेस, चाय, कॉफी, नमक, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव अ वेरी क्यूट माइक्रोवेव, अच्छी खासी कटलरी दी हुई है, मिर्ची मुर्ची। वी हैव अ ओवन एंड ऑल्सो अ माइक्रोवेव। यहाँ पे इन्होंने फ्रिज भी दिया हुआ है। वी हैव अ माइक्रोवेव एंड देन वी ऑल्सो हैव अ क्यूट गिटार, आई गेस ये चलता है। मुझे बजाना, हमेशा से बजाने की इच्छा थी, ये बजाएंगे, टूटना मत बस। फिर आप जैसे यहाँ पे अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारी सी जगह मिलेगी। यहाँ पे आप उसे विंडो खोल सकते हो, बाहर का देख सकते हो। यहाँ पे आप बैठ के आराम से काम कर सकते हो। स्टूल है काफी क्यूट से, टीवी लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ना सारे सोलार वाले पंखे है, तो आप ये पंखों को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ऊपर नीचे बाहर हर जगह। वाईफाई भी दिया हुआ है इन लोगों ने, नेटफ्लिक्स वगैरह सब दिया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा से तैयार होने की जगह है, मिरर है, हेयर वाला वो है, लॉकर, चावी, बुक वुक सब है। अब यहाँ पे जब बाजू बाजू में से दो चैनल जैसे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे वॉशरूम, ये देखो। सो ये है हमारा सारे जरूरी बिजनेस के लिए, और ये है नहाने वहाने के लिए, और ये है हमारी सिंक, ठीक है। ओ, गीजर भी हमारे पास छोटा सा, शीशा है हमारे पास, क्यूट सा शावर है, बॉडी हेयर वॉश सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये हम प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना हो यहाँ पे। और ये है हमारा क्यूट सा बेड, हमारे किचन बेड के नीचे नहीं है बट ये बड़ी प्यारी सी बेड है। अच्छी खासी यहाँ पे भी सामान रखने की जगह है, लाइट्स वाइट्स हैं, बाजू में खिड़की विड़की है, तो आप उठोगे आपको बाहर का व्यू दिखाई देगा। और काफी कंफर्टेबल और अच्छा बड़ा चौड़ा बेड है, एक अच्छे खासे दो बड़े लंबे चौड़े लोग सो सकते हैं। बाहर का और इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको शाम को दिखाती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे अपना एक्सप्लोर करती हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है यहाँ पे कुकिंग करने का। तो कुछ वैन में कुक विद गोपाली कुछ तो करते हैं, लेट्स सी। सो यस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लिव इन दिस बस फॉर लेजिट 24 आवर्स। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। बाय द वे गाइस, ये काफी ज्यादा सस्ती मिली, पहली बार ये मैंने नहीं, ये भूरी बेटी की खोज है। बहुत सारे एयरबीएनबी देख रहे थे एंड शी फाउंड दिस, और ये काफी सस्ती आई गई, हमें 3,000-3,500 कुछ की पड़ी है। तो विद द थिंग्स दैट दे आर गिविंग अस, एक एक्सपीरियंस अगर आप भी बुक करना चाहो कर सकते हो। रेयर फाइंड है अगर आप आ रहे हो तो। यस, रेयर फाइंड है। अगर ना आप कोई क्यूट कपल हो जो यहाँ पे आ रहे हो, एकदम ऐसे कपल या सी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, काफी रेयर फाइंड है, नॉट स्पॉन्सर्ड बट वेरी क्यूट प्लेस। जी हम मस्त हमारे बेड पे आ गए, एकदम कंफर्टेबल हो गए, बहुत ही कंफर्टेबल, नींद आ रही है मुझे, बहुत ही कंफर्टेबल है। एंड ऑल्सो मैंने ये सोचा है कि मैं मेरी जिंदगी का पहला टैटू कराऊंगी, तो मैं और बुरी बेटी हम मैचिंग टैटू कराने का सोच रही हूँ, क्योंकि हमारी ना बहुत बनती है ना, आपको तो पता ही है, हम कभी लड़ते लुड़ते तो है नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम टैटू बना लेते हैं साथ में। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा टैटू बनाना है। जो जानवी को पसंद आ रहा है वो मुझे 2 कौड़ी का लग रहा है, जो मुझे पसंद आ रहा है वो इसे 2 कौड़ी का लग रहा है। तो अभी पहले हम थोड़ा सा मारपीट करेंगे, टग ऑफ वॉर करेंगे। तो हम इस वीडियो में टैटू जरूर बनाने वाले हैं। मम्मी को मैंने अभी तक बताया नहीं कि मैं टैटू बनवा रही हूँ, मम्मी को अभी तक ये लगता है एक बेटी बिगड़ गई, दूसरी तो कम से कम मेरी ठीक है। अब मम्मी को बता, मम्मी को बोलूंगा मम्मी इसने बिगड़ा है, संगत का असर। तो मुझे शाम को आपको इसे बाहर से व्यू दिखाना है, क्योंकि अभी तो बहुत तेजी की धूप है, इधर का मौसम भी मेरे मूड की तरह, कल इतनी बारिश हो रही थी, आज धूप है, बट बड़ी प्यारी जगह यार थाईलैंड, मजा आ रहा है। अब हम लोगों के पास थोड़े से दिन बचे हैं, हम ये वाली जगह रह रहे हैं, फिर इसके बाद हम जा रहे हैं एक और जगह, एंड देन वी आर गोइंग बैक होम। मैं एकदम अच्छा फील करी, फ्रेश फील करी, घर जाके और काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं हम। So yes, मजा आने वाली है, yay। हेलो जी, शाम का टाइम हो रहा है, हम लोगों ने से थोड़ा सा 10 मिनट के लोग लेट गए थे, अब अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा। ओ हो, क्या प्यारी सी सनलाइट आ रही है भाई, बड़ा ही सुंदर लग रहा है ये तो। चलो जानवी को उठाते, फोटो तो भी बहुत अच्छी आएगी। जानो, आज तो हमारे पास ये है,
गिरती नहीं। गुड मॉर्निंग ब्यूटी, लुकिंग जूसी, गुड मॉर्निंग ब्यूटी। हेलो जी, तो शाम हो चुकी है और मौसम बड़ा ज्यादा सुहाना हो गया। यहाँ से भी व्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ से जैसे आप एंटर होते हो, पहले तो यहाँ पे इन लोगों ने हमें दो साइकिल दी हुई है जिसको लेके आप आजू बाजू घूम सकते हो। और ये है हमारा पूरा बस वाला एरिया। यहाँ पे इन्होंने बॉन फायर करने के लिए एक वो पिट बना रखी है और ये काफी कंफर्टेबल से भी बैग है। मैं अभी यही बैठी हुई थी और मजे से व्यू एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सुंदर सा बाथटब दिया हुआ है जो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। पर्दे लगा के आप आराम से इसे भी एंजॉय कर सकते हो। और आजू बाजू में इन्होंने फेंसिंग कर रखी है। और बाय द वे, जो सामने आपको रोड दिख रहा है ये प्राइवेट रोड है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। एंड यहाँ से आप एंटर होते हो आपके मेन जगह पे। मैंने ये तो आपको दिखा दिया, जाओ बाहर चलते हैं। तो ये किचन वाले गेट से आप जैसे आते हो यहाँ पे ना, इन्होंने एक सेटअप कर रखा है। यहाँ पे आप बॉन फायर वगैरह कर सकते हो, खा पी सकते हो। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है सीढ़ी, आ जाइए जी ऊपर चलते हैं। तो ये है हमारा ऊपर से व्यू, हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हमारे एयरबीएनबी के। और यहाँ पे ना इन्होंने ये वाली गेम का सेटअप कर रखा है। ओह क्या मस्त मारा मैंने, हाय। सो यस, ये हमारा क्यूट से एयरबीएनबी। अभी शाम के कुछ 4 बज रहे हैं, हम देखते हैं, थोड़ा बहुत भूख लग रही है मुझे। एंड ऑल्सो मैं सोच रही कल से मैं अपना ब्रेकफास्ट यहाँ खुद बनाया और आराम से यहाँ बैठ के खाएं, तो आज हम ग्रोसरी स्टोर जाएंगे और अपने लिए खाना बनाएंगे। कल बस में मजा आने वाली है। हेलो जी, शाम के 5:30 बज रहे हैं और अब लग रही है भूख, और भूरी बेटी को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। नॉर्मल इंसान बोल रहे भूख लग रही है, भूख लग रही है, वो बोलती है अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है मतलब उसको खाना चाहिए होता है। तो हम थोड़े से दाल चावल और भिंडी की सब्जी, जो हम वो वाली लेके जो हम वो इंस्टेंट वाली लेके आए, वो बना लेते हैं। बट उससे पहले मैंने ना कल ये देखा था और ये मैंने खरीदा था। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को यूज करते हुए देखा, जैसे बाल बड़े अच्छे लगने लग जाते हैं, तो मैंने सोचा हम भी यूज कर लेते हैं। ऑल्सो मैंने ना ये वाली ड्रेस यहाँ बैंकॉक से ही खरीदी है, काफी क्यूट सी ड्रेस है, पर ये ना मुझे थोड़ा फैला हुआ लगा रही है फॉर सम रीजन। मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं इसे फंसा लूंगी, तो भगवान जी का नाम लेके ट्राई करते ये फंसे। हेलो गाइस, इससे मैंने सुना था बालों को बहुत नेचुरल अच्छा सा बाउंस मिलता है। लेट्स सी बाउंस मिलता है या हमारे बालों में परमानेंटली टिक जाते हैं। गाइस, जब तक हमारे दाल चावल बन रहे हैं, लेट्स सी हमारे बालों में बाउंस आया या नहीं। मुझे तो ऐसे कुछ अलग नहीं लग रहा है, मुझे लगता है ना गीले बालों में करना पड़ेगा तब कुछ शेप आएगा ना। बेवकूफ है गोपाली, सूखे बालों में कैसे कोई चीज वैसे मुड़ सकती है। गाइस, कुक विद गोपाली में आज हमने बनाया दाल चावल और रसीली भिंडी। ये हमारे दाल चावल और ये हमारी भिंडी। हेलो, हाय मम्मी, आप ब्लॉग यस व्लॉग में तो हेलो बोल दे। ओ चाय, चाय की चीयर्स चल रही है। एंड नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टैटू एंड आई फील वेरी नाइस, आई फील 10/10 नाउ। यस गाइस, हम जा रहे हैं टैटू कराने, मेरी जिंदगी का पहला टैटू, वो भी मुझे इसके साथ कराना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली अच्छे दिन है मेरे। हम बनवा रहे हैं बिग बॉस की आंख गाइस। यहाँ पे फोटो, हम यहाँ पे फोटो डाल देंगे। तो मैं और जानवी ना, हम काफी बार मेजरली यही कर रहे होते हैं, आंखों आंखों में हम सारी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि लाइक मैं इसकी आंखों से समझ जाऊंगी क्या बोल रही, मैं समझ जाऊंगी। तो हम ना ऐसे आंखें बनवा रहे हैं जो मेरी आंखें इसको देख रही है, इसकी आंखें मुझे देख रही है, क्योंकि हम ऐसे क्लीशे सा नहीं बना रहा था, तू ताला मैं चाबी। नहीं, मुझे तो बनवाना था बट इसको नहीं बनवाना। हाँ, मुझे भी बनवाना था क्लीशे सा, ऐसा कि ये ताला चाबी, फिर एक और भी था कुछ ऐसे ऐसे, वो प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस वाला ऐसा कुछ था। मैं नहीं कर रही कुछ प्रॉमिस प्रॉमिस। तो चलते हैं आंखें बनवाते हैं, शायद यहाँ हाथों पे पीछे बनवाएंगे। हेलो जी, हम आ गए टैटू वाले के यहाँ। अभी सीन ये कि हमें ना हमारे एयरबीएनबी वाले भैया बड़े क्यूट से हैं, जो हम यहाँ पे ड्रॉप करके गए हैं, और ये ना किसी ने अपने घर में बनाया हुआ, इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं लास्ट मिनट पर बैकआउट कर जाऊँ, पता चला तूने आँख बनवाई और तेरी आँख तेरे पहले बनवाऊंगी मैं स्मार्ट हूँ। ओ भाई चलो ठीक है, ओके। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जिंदगी में टैटू कराऊंगी। नर्वस गोपाली गाइस, बहुत जल्दी हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। दीदी डोंट मेक फेसेस, रिलैक्स।
बस दैट्स इट. कुछ नहीं लगती. आई एम अ रियल इन्फ्लुएंसर. आई इन्फ्लुएंस्ड माय सिस्टर टू गेट अ टैटू. मैं बोलती हूँ मत कराना. चीटी काटती है ऐसा नहीं लगता. चुप कर तू. इतनी जोर से कोई चीटा नहीं काटता. हंसना पागल. मजे कर. पहला टैटू करवा रही है. वापस करवाएगी टैटू. गाइस तू तो ट्रॉमेटाइज हो गई ऐसा लग रहा है. इट्स डन. अरे इसको बोल डन तो ठीक है पर अब कितने दिन तक मौत आएगी मेरी. हाँ क्यूट लग रहा है. क्यूट लग रहा है ना काफी. क्यूट लग रहा है यार. आई एम सो हैप्पी. बनवा लिया है और yes. हम लोग निकल चुके हैं. तो ये जो टैटू वाले लोग थे ना इतने स्वीट हैं. इन्होंने हमारी टैक्सी भी बुक की. उनको भी पे कर दिया और इतने प्यार से बात की. इतना अच्छा काम किया. तो अगर अभी आप कभी भी खराबी में आ रहे हो नॉट स्पॉन्सर्ड बट हमें चैंग्स करके एक जगह जो बहुत अच्छी लगी है बहुत मस्त काम कर रहे हैं. रिव्यू भी बहुत अच्छा और काम भी बहुत अच्छा. लोग भी बहुत अच्छे हैं. एंड यस अभी हमारी बहुत ही अच्छी जगह. यहाँ पे लैंडमार्क आउनांग मार्केट है जो बहुत ही प्यारी जगह लग रही थी जब हमने देखी थी. तो फिर चले जी लेट्स गो. चलते हैं वहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा. कुछ क्यूट क्यूट चीजें वीजें मिलती है तो लेते हैं भाई. क्यूट क्यूट चीजें. टोपी हुई तो क्यूट लग रही है. गाइस हमें कुछ खरीदना नहीं है. हम सिर्फ घूम रहे हैं. गाइज माई फेवरेट थिंग हैंडमेड फ्रिज मैगनेट से कितने ज्यादा सुंदर है. थाईलैंड वाले भी हैं. गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारा स्विमवेयर मिल जाएगा और बहुत प्यारा प्यारा मिलेगा. बहुत प्यारा प्यारा. और यहाँ पे ना काफी सारी हैंडमेड वाली चीजें भी हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी क्यूट. ऑल्सो मैंने ना यहाँ पे एक चीज सीखी है. कुपुंका कुपुंका ओके सो अत्री कुपुंका इज थैंक यू गाइस. कुपुंका आपको ये सब देख के क्या लग रहा होगा कि ये आम है, ये कटहल का कोई छोटा भाई भाई है, ये पत्ता है, बट ये है बैग. ये इतनी क्यूट बैग है भाई मैं आपको क्या बताऊँ. ये आम में तो स्लिंग भी लगा हुआ है. ओह वेरी क्यूट. मकई भी मिल रही है गाइस. मकई गाइस आई एम प्लानिंग टू बाई दिस टू. इसमें शीशा लगा हुआ है. मैं अपने आप को निहार सकती हूँ. ये मुझे पता है अच्छा टमाटर के साथ भी लग रहा है. ये इवन वाइट अच्छा लगेगा. गाइस यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी बाथरोब मिल रही है साटिन वाली बट ये एक वॉश में दम तोड़ देंगी. शॉपिंग खत्म और भाई क्या क्रेजी शो था. वो बंदा व्हील चेयर पे बैठ के इतनी क्रेजी काम कर रहा था भाई. मजा आ गया. देखिए से दिल को ना इतना अच्छा लग रहा है कि भाई लाइक सो गुड सो गुड. मजा आया देख के. यस अभी हम चल रहे हैं आगे. लेट्स गो. हम जा रहे हैं कहीं तो कुछ खाने पीने जाएंगे. ये हम आए हुए थे लैंडमार्क आउनांग मार्केट. काफी क्यूट सी जगह ये देखो लैंडमार्क आउनांग. हम जा रहे हैं बहुत ही प्यारे सी टुक टुक में. ये लोगों ने वैसे बाइक पे अपना रिक्शा जुगाड़ किया हुआ है. बहुत मस्त है भाई. इसमें चलने की अलग मजा आती है. आप अगर ट्रावी आ रहे हो तो टुक टुक पे ही घूमना. बैंकॉक में अलग टुक टुक है. आई लाइक टुक टुक हियर. तो हम लोग अभी जा रहे हैं वापस हमारे बस पे. बट उससे पहले हमें ब्रेड लेने की देखो फ्रेश मैंगोज ये लोग ऐसे काट के देते हैं. योर मैंगो वेरी स्वीट वेरी नाइस.
कल कुक विद गोपाली में ब्रेकफास्ट बनाने वाली हैं गोपाली मैडम. ओहो हो, मजा आ जाएगी. चलो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस. गाइस बंदे ने ना मुझे अपने फार्म के थोड़े से फ्रूट्स दिए हैं फ्री में. वेरी नाइस. डू यू हैव बनाना? थैंक यू. वेलकम. हेलो जी, वी आर बैक होम. और हमारे ना रुको मैं ये वाली लाइट बंद करके आपको दिखाती हूँ. ये देखो फुल डिस्को वाइब बन चुकी है हमारी वैन में. तो अभी हम जो फ्रूट्स वगैरह लेके आए हैं उनको फ्रिज में लगा देते हैं हम लोग पहले. हेलो जी, रात के 12:15 बज रहे हैं. इट्स टाइम टू गो टू स्लीप. मैंने इतने कंफर्टेबल कपड़े पहने, इतनी फैशन वाली ड्रेस पहन रखी थी, लग बिल्कुल हीरोइन रही थी. बट ओहो, अपने नाइट सूट पहनने के बाद बड़ी मजेदार जिंदगी लग रही है. चलिए जी सोते हैं. आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. बाय बाय. प्यारा मौसम हुआ है. अब क्लाउड्स देखो कितने मस्त लग रहे हैं भाई. मैं सुबह सुबह उठते ही हमारे ग्रॉसरी स्टोर आ गई थी मेरे घर के बिल्कुल पास है. तो हमें दूध चाहिए था और टूथपेस्ट वगैरह चाहिए था, तो वो लेने में आ गई थी. हमें दूध भी मिल गया है, गार्लिक भी मिल गया है. उनको गार्लिक समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ, तो उनको उठा के दिखा रही थी ये चाहिए मुझे. तो चलिए जी चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाते हैं. वाह, दूसरे कंट्री में आके ग्रॉसरी शॉपिंग करके ब्रेकफास्ट बनाने का मजा तो कुछ और है जनाब. ये मेरा रास्ता है जहाँ पे मैं वॉक कर रही हूँ. और ये हम पहुँच गए हमारी बस पे. गाइस मैं लहसुन छिल रहा हूँ. मेरा व्यू देख रहे हो कितना ज्यादा सुंदर है. और यहाँ पे भी एक शूट चल रहा है गाइस. तो हाँ, यहाँ पे ना आपको ऐसे ब्रेड बटर लगी हुई मिल जाएगी, तो हम इसको थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं. गाइस भूरी बेटी अपनी चाय बना रही है, उसकी पहली चाय यहाँ की. जानवी को फाइनली चाय नसीब हो रही है क्योंकि हम दूध ले आए हैं. हमारे पास चाय पत्ती है, चीनी यहाँ पे है. तो यस, अभी मैं हमारे फ्रूट्स बाहर निकाल देते जब तक हमारी ब्रेड टोस्ट हो रही है. वी हैव सम फ्रेश वाटरमेलन्स. ओ भाई, इनके मैंगोज इतने टेस्टी है भाई, मजा आ गया. गाइस हमारी ब्रेड टोस्ट हो गई है. गाइस हमारे शेफ ने तो बनाते बनाते खाना शुरू कर दिया है भाई. ये गार्लिक के साथ इतनी अच्छी लग रही है, कुछ करने को नहीं. मैंने ना इतने दिन बाहर ब्रेकफास्ट खाया, पर ये वाला ज्यादा अच्छा बना है. गाइज हमारा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो चुका है. यहाँ पे कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा मस्त बन गया है. अब हम यही, यहाँ धूप आ रही है पर वहाँ पे छाँव है, हम मस्त छाँव में बैठ के मजे से इसे इंजॉय करने वाले. अब तो भूख भी लग गई है, चलो आ जाओ. ऑल्सो दिस वॉज माई फर्स्ट कुक विद गोपाली इंटरनेशनली भाई, मजा आ गया. अर्न मैनी 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 मोर टू गो. बहुत सारी जगह जाके अलग अलग कुकिंग करेंगे. तो गाइज यहाँ पे तो हमने कोई तोड़फोड़ की नहीं, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है तोड़फोड़ करने की. और ना आपको किचन फैलाने की जगह है. आपको अगर कोई दूसरी चीज रखनी है तो आपको पहली वाली हटानी ही पड़ेगी, तभी आप रख पाओगे, नहीं तो आप रख ही नहीं पाओगे. तो छोटी किचन होने का ये एक फायदा तो है. हेलो, आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई माय चाय. लेट मी ट्राई दिस एवोकाडो टोस्ट. मस्त है. उस नाजिश के हाथ काट देने चाहिए जिन्होंने एवोकाडो टोस्ट बनाया. इस पे पहले तो जो बटर पड़ा हुआ है ना, एक नंबर है. हाँ, इससे मेरी रूह को जाके एवोकाडो ने जो ऐसे सहलाया है, दो बिछड़े प्रेमी मिल गए हो ना, वैसा फील आ रहा है ना. गाइस यहाँ पे हमेशा मैंगोज मिलते हैं भाई. चीयर्स. ओह, मैंने बाल नहीं खोले, मैं कम हीरोइन लग रही हूँ. ओह यम. गाइज लुक एट योर गोपाली मैम. हमने सोचा हम बैग पैक कर देते ताकि अंदर कोई इंसेक्ट विंसेक्ट ना चला जाए, बट मैडम जी ने तो अपना फोन ही पैक कर दिया है. हम ढूंढ रही है अक्ल की दुश्मन. हेलो जी, गुड गर्ल बनने का टाइम हो गया. तो ये टाइनी से वॉशरूम में हमें नहाना है. हमसे थोड़े से लंबे चौड़े लोग हैं तो वो फिट नहीं हो पाएंगे इसमें, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे. तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, तो वो आप ध्यान रखना.
एंड ऑल्सो ये हमारा बेड काफी क्यूट और कंफर्टेबल बेड है, बट चलिए जी अभी चलते पहले गुड गर्ल बन जाते हैं। आ जाओ। ये बंद होने के बाद कि देखो इतनी छोटी सी जगह है ये भाई, नाइस प्लेस, हमें क्या दिक्कत है, छोटे होने का फायदा उठाते हुए। तिवारी सिस्टर्स, हेलो जी, हम एकदम मस्त गुड गर्ल बन गए और हम रेडी भी हो गए हैं। यहाँ पे भूरी बेटी का अभी भी कुछ तो गेट रेडी विथ मी टाइप चल रहा है, तो मैंने पहले कोई और कैमरा खराब हो गया जैसे ही नया फोन आया है। मुझे ऐसा लगता है ये लोग ना वो चालू हो गए आईफोन वाले, नया फोन निकालते हैं और कैमरा खराब कर देते पुराने वाले का। मैं एक क्यूट सी टोपी हमने यहीं से खरीदी, इस पे से स्माइली बने हुए हैं, हम ये पहनने वाले हैं। चलते हम पहले जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम, पहले जाएंगे बीच पे, फिर हम जाएंगे कायाकिंग करने। जानवी मुझसे पहले नहाई थी, उसने पहले मुझसे तैयार होना चालू किया था, उसका अभी तक सारा कुछ खत्म नहीं हुआ है और मैं तो कब से एकदम गुड गर्ल बन के तैयार होकर खड़ी हूँ। लो जी, हीरोइनें तैयार होके निकल चुकी है बाहर। हम लोग आए हुए हैं अभी आवनांग बीच के पास और यहाँ पे ना हमें एक आंटी ने बताया, पहले इनको यहाँ पे मेरी आंटी ने बताया यहाँ पे रेले बीच है जो बहुत सुंदर बीच है, आपको एक बोट मिल जाएगी जो 15 मिनट पे पहुँचा देगी, तो हमें वहाँ भी जाना है। हमें एक दो जगह और भी जाने का मन है, लेट्स सी हम क्या करते हैं। आज हमारा बड़ा चिल सा डे था। ओ नेपाल देखा, ठीक है ओके, भूख लगी है मुझे तो, अभी पहले कुछ खाते हैं। गाइस दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बीच, ये देखो इतना सुंदर बीच है ये। बहुत ही सुंदर से व्यू के साथ हम यहाँ सड़कों पे वॉक कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही क्यूट सा कैफ़े मैंने ढूंढा है वहाँ पे, मैंने एक इतना प्यारा कैफ़े देखा है, वो कैफ़े एक आइलैंड पर, उस आइलैंड पर सिर्फ वो कैफ़े ही है भाई, क्रेजी था वो तो। वहाँ हम फिर कभी जाएंगे, अभी भूख लगी, अभी पहले खाते हैं उसके बाद हम देखते हैं, या तो कायाकिंग जाएंगे या तो रेले बीच जाएंगे। सो या लेट्स सी गाइस, ये एक बड़े क्यूट से टुक टुक में हम जा रहे हैं खाने। ये we are here at this place called Tan Hostel and Cafe and we also made a new friend here. Hello Diya, hi. So she's from India, she's traveling solo and we just decided to join. So hum sare milke saath mein maza karne wale now. Let's order something, I'm super hungry. Bahut hi zyada alag aur unda khana mangwati hui bhuri beti. Pasta. Red sauce pasta. तो हमने ले लिए टिकट्स रेले बीच जाने के लिए और आप ये व्यू देखो भाई साहब, क्या ही सुंदर सा व्यू है ये। हम यहाँ पे झूला झूल चुके हैं, झूले पे गुलाटी खा के गिर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये कितना प्यारा बीच है, दिस इज पारांग बीच। गाइस ये देखो आप, भाई साहब क्या क्रेजी सनसेट हो रहा है। गाइस हमने पासपोर्ट कवर अपने फ्रेंड्स के लिए भी ले रहे हैं तो हम बार्गेन कर रहे हैं और हाउ क्यूट। Yeah, you're so cute. Yeah, I'm so cute, but I have husband already. He is not my husband. He is my brother. Oh, okay. ये दीदी ने ना अपना भाई जानवी को चेपने की थोड़ी कोशिश की है। ओके चलो कलर, चलो 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 चलो। ना मैं बॉयज के लिए बना रही हूँ और रेशम के लिए मैंने ये लिया है, सिर्फ यही एक रखूँ बस। दीदी कस्टमाइजेशन के लिए नाम लिख के दे रही है। आप बहुत सुंदर हो। हाँ यू टेल मी वाई वाई। आप बहुत सुंदर हो, दैट मींस यू आर ब्यूटीफुल। आप बहुत सुंदर हो मींस यू आर ब्यूटीफुल। या ब्यूटीफुल, यू कैन से वाई 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 वाई, सुंदर हो सुंदर हो।
अंदर हो ये हमने एक दूसरे को अपनी भाषा में और ब्यूटीफुल बोलना सिखाया है। हेलो जी, हियर वी कम टू एन एंड टू दिस वीडियो, और ये हुआ हमारी थाईलैंड वीडियो का एंड। हॉल आएगा नेक्स्ट, आपको कोई पॉइंटलेस व्लॉग में हॉल देखने मिल जाएगा, और गिव अवे चल रहा है तो मेक श्योर आप नीचे कमेंट करके जरूर जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, एंड यस आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस। टाटा।